फैक्ट्स अबाउट रॉट व्हीलर। देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है, 328 PSI वाला बाइट फोर्स, एग्रेसिव स्वभाव, फ्लेक्स किए हुए मसल और 60 किलो का वजन जो इनको एक बहुत अलग बनाता है। लेकिन ठहरी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले रॉट व्हीलर को लेकर, उनके कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर बात करेंगे शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आपको यह सब मालूम होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना डॉग ब्रीडों में से एक ब्रीड है रॉट व्हीलर, जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय से बहुत पॉपुलर है, बतौर पुलिस डॉग के। उस टाइम पे पुलिस डॉग की डिमांड बहुत ज्यादा था, तो रॉट व्हीलर वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन था और उनकी पॉपुलरिटी वहाँ से बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी इम्पोर्टेंस और पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था, जो इनको पूरे दुनिया में पॉपुलर बनाते हैं और पूरा दुनिया भर में उनको फैलने में भी बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 2, अभी बात करेंगे उनके बेसिक फैक्ट्स को लेकर। रॉट व्हीलर एक मिडिल हाइट डॉग ब्रीड, मेल का हाइट करीब होता है 61 से 69 cm जितना, फीमेल का हाइट होता है करीब 56 से 63 cm जितना। अभी बात करेंगे वजन को लेकर, अभी मेल का वजन थोड़ा ज़्यादा ही होता है, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ होता है। मेल का वजन करीब 60 किलोग्राम जितना होता है और फीमेल का 35 से 48 किलोग्राम जितना, और साथ में 328 PSI वाला बाइट फोर्स तो इनके पास पहले से ही है। हाँ डरिए मत, ये बस एक फैक्ट है। इंटेलिजेंस, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, रॉट व्हीलर, इनकी समझदारी कुछ अलग लेवल पे होते हैं। हमने जर्मन शेफर्ड और पिटबुल के ऊपर भी एक और वीडियो बनाया था, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे। वापस आते हैं वीडियो पे। रॉट व्हीलर की समझदारी बहुत अलग लेवल पे होते हैं, इनको कोई भी नया स्किल सीखने में बहुत कम टाइम लगता है, कोई भी नया टास्क, कोई भी नया कमांड सीखने में बहुत कम टाइम लगता है, तो उसमें आपका भी बहुत हेल्प होगा। आपको कुछ भी सिखाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा इनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। नंबर 4, टेम्परामेंट, इनका टेम्परामेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, मतलब कब गुस्सा होते हैं और कब हंसते हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बॉन्डिंग सही है, आप अगर उनका ख्याल अच्छे तरीके से रखते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव रहते हैं हर वक्त और 19-20 होने पर आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, मतलब मालिक के ऊपर नहीं बाकी सारे लोगों के ऊपर, क्योंकि लॉयल तो अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने परिवार की प्रोटेक्शन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। सामने चाहे कितना बड़ा ही खतरा हो, एक पल में खतरे को मिटाने की क्षमता भी रखते हैं, जो इनको बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड बनाता है। नंबर 5, समर लवर। हाँ ये थोड़ा उटपटांग सा फैक्ट है, मतलब हर एक डॉग को पानी उतना पसंद नहीं होता और ना ही गर्मियों का मौसम, लेकिन इनको ये दोनों ही पसंद है। इनको पानी भी पसंद है और इनको गर्मियाँ भी पसंद है, मतलब गर्मियों में खेलना कूदना भागना इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, और खास करके पानी के साथ, पता नहीं कुछ अलग ही रिश्ता है इन लोगों का पानी के साथ, इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। नंबर 6, मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप जब भी कोई डॉग ब्रीड को लेते हैं आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आता होगा कि इसका खर्चा कितने होंगे, आखिरकार हम इंसान ही है ना। तो बात करते हैं इनको लेकर, रॉट व्हीलर का खर्चा बहुत कम होता है और डिपेंड करता है कि आप उसको खाना कैसे देते हो, क्योंकि आपके पैसे उस पर खर्च होने वाले हैं। उनके ग्रूमिंग में उतना पैसा नहीं लगता, हफ्ते में एक बार ग्रूमिंग काफ़ी है, महीने में लगभग 2,500 रुपये तो लगेंगे। अभी आपके लिए इतने लॉयल होंगे तो इतना तो खर्च करना बनता ही है ना। नंबर 7, लाइफ टाइम। 9 से लेकर 10 साल का इनका उम्र रहता है। अगर आप एक ऐसा डॉग ब्रीड चाहते हैं जो बहुत लंबे समय तक आपके फैमिली के साथ रह सके, तो ये वाला डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम सही होगा। इनके प्रोडक्टिव स्वभाव, अपने मालिक के प्रति लॉयलिटी, एग्रेसिवनेस बाकियों के लिए, आपके लिए नहीं, आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब तक आपके पास एक रॉट व्हीलर है आप रिलैक्स रह सकते हैं, आपके ऊपर अटैक करने के पहले भी सोचेगा 3-4 बार। 10 साल की आयु उनको बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन अगर आप इनका ब्रीडिंग करते हो तो इनकी आयु और 5 साल बढ़ भी सकते हैं, 15 साल भी ये लोग जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो, जहाँ पर आज के वीडियो में हमने बात किया रॉट व्हीलर को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो आपको मालूम होने ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है, लेते रहो ज्ञान, अच्छी बात है। तो कैसा लगा बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे, क्या आप इस वाले ब्रीड को लेना चाहेंगे, अपना थॉट शेयर करें अपने साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज द बॉय साइनिंग ऑफ, टाटा।